मेरा एक बयान हुआ था, ऑडियो बयान था बहुत पहले, उसका नाम था जलजले क्यों आते हैं। उस बयान का नाम था जलजले क्यों आते हैं। बहुत पहले बयान हुआ था, उस वक्त वीडियो बयान नहीं आते थे, तो वो मुझे अपना वो बयान जहन में आ गया। हमारे यहां जब भी कोई दुनिया में तूफान आता है, जलजले आते हैं, बारिशों में सैलाब आते हैं, तो दो इंतहाओं की तरफ लोग जाते हैं। एक इंतहा तो है जो लिबरलिज्म लोग हैं, लिबरलिज्म को फॉलो करने वाले लोग, जो लिबरल नाम लिहाज लिबरल लोग, वो क्या कहते हैं भाई, ये कुदरत का एक नेचर का एक सिस्टम है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, लिहाजा इसमें अपने गुनाहों से तौबा करना, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना, इन तकल्लुफात की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, चाहे कोरोना है या कोई भी वबाएँ हैं, इसका खुदा के अजाब से कोई ताल्लुक नहीं है। भाई प्लेटें हैं ज़मीन की, हिलेंगी तो धसेंगे सारे। जब ज़मीन से इतनी गैस निकाल रहे हो, इतना ऑयल निकाल रहे हो, तो खला पैदा होता है ना, वो खला पुर ऐसा ही होगा कि एक तरफ का हिस्सा खिसक के यहाँ जाएगा, तो वो ज़मीन है, वो कोई छोटी मोटी चीज़ तो नहीं है। जब इधर से खिसक के गया तो दो चार पहाड़ दाएँ बाएँ हो गए, जब दो चार पहाड़ दाएँ बाएँ हुए तो वो बाकी एडजस्ट करने के लिए वो भी खिसक जाते हैं, तो खिसकते खिसकते दिल्ली से जलजला चला था और पहुँचता कहाँ तक है, लाहौर तक, और दरमियान में बहुत से लोगों को लुकमा अजल बनाता हुआ जाता है। तो वो कहते हैं एक तो साइंटिफिक हकीकत है, इसका खुदा के अजाब से और सवाब से क्या ताल्लुक है भाई, क्या करें यार, फिर वही बातें अब समझाना मुश्किल हो रहा है। वो कह रहे हैं सैलाब जो आता है ना, ये दरिया का पानी उमड़ आया और गांव के गांव पी गया, इसका किसी के नेक और बुरे होने से कोई ताल्लुक नहीं है, ना इसमें खुदा से तौबा इस्तिगफार करने की जरूरत है। जो नाम निहाद लिबरल है वो यही कहते हैं, इसमें तौबा की क्या जरूरत है भाई, ये तो ग्लेशियर पिघल गया था, गर्मी ज़्यादा पड़ी थी, तो पिघल जब जाएगा तो जाहिर है दरिया में पानी ज़्यादा आएगा, जब पानी आएगा तो जाहिर है साइडों में निकलेगा, जब साइडों में निकलेगा तो वो जो भी साइड पे बैठा हुआ होगा उसको बहा के ले जाएगा, इसका इससे क्या ताल्लुक कि उसने तहज्जुद पढ़ के बैठा हुआ है या गुनाह करके बैठा हुआ है, इसका इससे क्या ताल्लुक है कि वो बदनजरी करता था, सूद खाता था। ये मौलवी लोग तुम्हें खम खमे डराते हैं, देखो वो गाँव के लोग सूद खाते थे, अजाब आया और सैलाब पानी बहा के ले गया, इसका इससे क्या ताल्लुक है, इसलिए तौबा वोबा करने की जरूरत नहीं है। यह भी एक इंतहा है। दूसरी इंतहा जो बाज मजहबी लोग करते हैं, वो इंतहा ये है कि हर कुदरती आफत को किसी गुनाह का नतीजा करार देते हैं, यह भी 100% गलत है। ना कुरान की यह तालीमात है, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह तालीमात है। हमें पता चलता है इस्लामी तारीख से, कुरान और सुन्नत से, कि बहुत से नेक लोगों पर भी अजाब आए हैं। मदीना मुनव्वरा में कहत पड़ गया था, लोग भूख प्यास से मरना शुरू हो गए थे, हजरत उमर का दौरे खिलाफत था, इससे अच्छा दौर कायनात में आ सकता है, कहत पड़ा है, ताऊन की बीमारी फैली, 25,000 सहाबा और ताबीन लुकमा अजल बन गए, जो उस वक्त दुनिया के बेहतरीन लोग थे, मगर वबा फैली है और हजारों लोगों को उसने लपेट लिया, जिनमें ज्यादातर सहाबा और ताबीन थे। नहीं आ रही बात मेरा ख्याल, तो यह कहना कि वहां जलजला जो आया था तो असल में वहां इस किस्म के लोग रहते थे इसलिए आया था, तो कोई भी जब कुदरती आफत आती है अल्लाह की तरफ से, उसको लाजमी किसी गुनाह का नतीजा करार देना ये भी कुरान और सुन्नत की तालीम के खिलाफ है। आफतें नेक लोगों पर भी आती हैं और बुरे लोगों पर भी आती हैं। हम कुरान और सुन्नत में जब गौर करते हैं ना, तो हमें दो किस्म की आफतें मिलती हैं इस जमीन पे, होती हैं दो किस्म की। एक आफत तो वो कुरान ने बयान की है जिसमें वाकयतन 100% गुनाह का दखल होता है, और वो उस अजाब की कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं होती, वो कुदरत ने अपनी तरफ से काम किया होता है जिसका कोई बज़ाहिर सबब मौजूद नहीं होता। ऐसी आफतें भी आई हैं, जैसे कौम आद और कौम समूद पर जो अजाब आया, कुरान के जाहिर से पता ये चलता है कि उस अजाब की कोई रीजन, यानी कोई रीजन का मतलब कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं थी उसकी,
जब उस कौम की नाफरमानी हद से बड़ी है, अल्लाह को गजब आया, अल्लाह ने आसमान से बादल भेजे। कौम कहने लगी, हाजा आरिज़ु मुमतिरुना, ये तो गहरे बादल हैं, हमेशा से आते हैं, बारिशें बरसेंगी। उनके पैगंबर ने कहा, बल हुआ मस्ताजल तुम भी, इससे बारिश नहीं बरसेगी, इस दफ़ा इस बादल से क्या बरसेगा, पत्थर बरसेंगे। अल्लाह हम सबको पनाह में रखे। और ऐसे पत्थर बरसेंगे तो दम्मिरु कुल्ल शैइन बि अम्रि रब्बिहा, हर चीज को अल्लाह के हुक्म से ये पत्थर तोड़ डालेंगे। और ऐसी हवाएं अल्लाह ने भेजी कि 7 दिन 8 रातें, सखरहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियता अय्याम, 7 रातें और 8 दिन ऐसी हवा चलेगी कि जो तुम्हें उठा के पटक देगी। और अल्लाह फरमाते हैं कि अन्नहुम आजाज़ु नखलिन खाविया, जैसे खजूरों के दरख उल्टे पड़े हुए होते हैं ना, एक हफ्ता तूफान में जब थमा एक हफ्ते के बाद, तो वो लोग ऐसे पटके हुए पड़े हुए थे, मरे हुए, जैसे खजूर के तने पड़े हुए होते हैं, लंबे कद के लोग थे। नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जो अजाब आया, अजाब के कोई आसार नहीं थे, उनके जो महकमे मौसमियात उस दौर के थे वो जो आसार देख के बताते थे, जाहिर है तो हर दौर में कुछ लोग अलामतें देख के बताते हैं ना, तो वो कह रहे थे कि कोई बारिश की रिपोर्ट, बोलते क्यों नहीं भाई, नहीं है। तभी वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब किश्ती तैयार कर रहे थे अल्लाह के हुक्म से, तो कुरान कहता है कुल्लमा मर्रा अलैहि मलअउम मिन कौमिही सखिरू मिन्हु, जब भी लोग गुजरते मजाक उड़ाते, इसलिए कि उस दौर के जो माहिरीन थे, जो भी मौसम को देख के अंदाज़ा लगाते थे कि भाई ना ये ऐसा महीना है कि जिसमें बारिशें होती हैं, ना दूर दूर तक हमें बारिश के कोई आसार नज़र आ रहे हैं, तो अचानक इतनी बारिश कि आप किश्ती में तैरना शुरू करते हैं, ऐसी बारिश तो हमने कभी ज़िंदगी में देखी नहीं है, तो वो फुल मजाक उड़ा रहे थे उनका। सखिरो मिनहु, कुरान कहते हैं हमेशा जब भी गुजरते मजाक उड़ाते कि माज़ अल्लाह इन बेवकूफ़ों को देखो कि ना बारिश का सीज़न है, ना बारिश के दूर दूर कोई आसार हैं, और अगर बिलफर्ज बारिश गैर मुतवक्के हो भी गई तो इतनी बारिश तो हमने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी कि आप उसमें बाकायदा किश्तियाँ बना के पहले से बैठने का इंतज़ाम करो, ये तो हमाकत है। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम क्या कहते थे और उनके ईमान वाले कहते थे, इन तस्खरू मिन्ना फइन्ना नस्खरू मिनकुम, अन करीब जैसे तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो ना, हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। क्यों मजाक इस बात का कि जो खुदा असबाब के जरिए बारिशें पैदा कर सकता है, वो किसी कौम को अजाब देने के लिए बगैर सबब के भी अजाब में मुबतला कर सकता है, जिसकी ये ताकत और कुदरत तुमने देखी है, जो समंदरों से पानी उड़ा के आसमान पे ले जाके बरसा सकता है, एक इसने एक चक्कर एक साइकिल चल रहा है तो वो साइकिल का मोहताज नहीं है, वो वैसे भी उठा के बरसा सकता है, जिसने आदम और हव्वा को बगैर बाप और माँ के पैदा कर दिया, तो अब आप ये देखो कि बगैर माँ बाप के बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता, तो आप कहो कि भाई अब नामुमकिन है, तो अल्लाह के लिए नामुमकिन थोड़ी है, अल्लाह ने तो आदम और हव्वा को बगैर बाप और बगैर माँ के पैदा करके दिखाया अल्लाह ने, तो उस अल्लाह के लिए थोड़ी मुश्किल है, तो मजाक तो हम तुम्हारा उड़ाएंगे कि तुम्हें उस खुदा की बातों पे यकीन नहीं आ रहा। तो ये वो अजाब था जो उस दौर के साइंसदान, क्या इस दौर के साइंसदान भी इसकी लॉजिक तलाश नहीं कर सकते। दुनिया में ऐसे बहुत दफा हुआ।